अब आपको मुंबई के भयंदर का एक वीडियो दिखाते हैं। एक लड़का 3 मंजिली बिल्डिंग में स्पाइडरमैन की तरह नींद की तलवार लेकर चढ़ गया। ये भयंदर वेस्ट का प्लेनेटेरिया बिल्डिंग है। आपको पूरा वाक्य बताते हैं। दरअसल ये सास और बहू के बीच का झगड़ा था। मनीष पांडे नाम की महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ। झगड़े के बारे में तलवार वाले लड़के की मां ने मनीषा पांडे की मां को बताया कि बस फिर क्या था, दोनों परिवार में तू तू मैं हो गई। घटना के समय से लड़का स्कूल गया था। स्कूल से लौटा तो मनीषा पांडे के फ्लैट में जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बिल्डिंग के पीछे से हाथ में तलवार लेकर ये चढ़ गया। इसने विंडो भी तोड़ दिया। पुलिस हैरान है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग पर स्पाइडरमैन की तरह लड़का कैसे चढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। सरकारी अस्पताल में पंक्चर की दुकान। यह खबर यह थोड़ी हैरान करती है, लेकिन यह सच है। पंक्चर की दुकान अस्पताल के बाहर या फिर कैंपस में नहीं, बल्कि वार्ड के भीतर है। वार्ड में मरीज के बेड के पास ही बाइक का पंक्चर बनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए। इस बीमार मरीज के लिए अस्पताल में बेड नहीं है। अस्पताल की फर्श पर मरीज को रखा गया है, लेकिन अस्पताल के वार्ड को गैरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर झारखंड के धनबाद PMCH की है।